हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हार्ट में। अगर मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे इस चैनल को। इसके साथ साथ लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूलिए। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा आरआरबी के लेटेस्ट, फिर से एक न्यू अपडेट आ चुका है। मैं उसका क्या डिटेल्स है मैं उसको भी यहाँ पर डिटेल्स में बता दूँगा। यहाँ पर ऑफिशियली क्या जो डिटेल्स आया है उसको मैं क्लियर करके आप लोगों को बता दूँगा। इसके साथ साथ अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा आरआरबी ग्रुप डी के ऑफिशियली एक बहुत बढ़िया ब्रेकिंग न्यूज़ लेटेस्ट अपडेट आ चुका है, जिसको आप लोग देख सकते हैं एनडीटीवी के ऑफिशियल न्यूज़पेपर में आया है। और 20 फरवरी 2019 में ये निकला हुआ है 17:36, जो कि शाम के 5 बजे इसका जो डिटेल है ये अपलोड हुआ है। तो लोग दोस्तों, मैं इसको डिटेल अभी आप लोगों को बता देता हूँ। आरआरबी ग्रुप डी रिजल्ट बिफोर फरवरी 2018 सेस ऑफिशियली। तो दोस्तों, यहाँ पे ऑफिशियली बोला गया है कि 28 फरवरी के पहले आपका जो रिजल्ट है वो आपका आ सकता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं और क्या क्या डिटेल, उसको भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आरआरबी ग्रुप डी रिजल्ट डेट ये टू बी अनाउंस्ड, इट विल बी रिलीज बिफोर फेबर 2018-2019 सेज एंड आरआरबी ऑफिशियल। तो दोस्तों, आरआरबी ऑफिशियल से मैं जो यहाँ पे बोला गया है 28 फरवरी से पहले यहाँ पे आपका जो रिजल्ट है वो आ सकता है। आरआरबी ग्रुप डी रिजल्ट इज येट टू बी अनाउंस बाय इंडियन रेलवे, बट इट कैन बी एस्यूम दैट द ग्रुप डी रिजल्ट विल नॉट रिलीज टूडे सिंस द आरआरबी सर्वर वुड बी बिजी विद द आरआरबी एलपी आंसर की ऑब्जेक्शन सबमिशन। तो दोस्तों, यहाँ पे आरआरबी के तरफ से यहाँ पे जो डिटेल यहाँ पे इसमें यहाँ पे बोला गया आरआरबी एलएलपी के आंसर की के ऑब्जेक्शन जो कि यहाँ पे अपलोड होने के लिए यहाँ पे आपका जो आपका रिजल्ट वो नहीं आ सकते हैं, सर्वर डाउन हो चुका है। इसके साथ साथ यहाँ पे वो लोग सेफली बी अस्यूम दैट टुडे, इसको भी यहाँ पे डिटेल में बता दिया है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे टुडे इज़ द लास्ट डेट फॉर द कैंडिडेट टू सबमिट देयर ऑब्जेक्शन ऑन आरआरबी एएलपी आंसर की फॉर सेकेंड सीबीटी। तो दोस्तों, यहाँ पे सेकेंड सीबीटी के लिए आरआरबी के एएलपी के लास्ट डेट है ऑब्जेक्शन के लिए। तो दोस्तों, ये आज की डेट की ये जब हो जाएगा उसके बाद ही आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बोला गया दिस लीव्स आरआरबी विद अ विंडो ऑफ अबाउट अ वीक ऑफ रिलीज अ ग्रुप डी रिजल्ट बिफोर इट स्टार्ट एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर आरआरबी एनटीपीसी रिक्रूटमेंट। तो दोस्तों, मैं एनटीपीसी के रिक्रूटमेंट के लिए भी एक वीडियो बना के दे चुका हूँ, वहाँ पे आप लोग देख सकते। तो यहाँ पे बोला है उससे पहले यहाँ पे आपका जो रिजल्ट वो आपको मिल जाएगा। तो आप लोग जानते हैं कि 28 फरवरी पहले एनटीपीसी के जो रिक्रूटमेंट है वो ऑफिशियली आप एप्लीकेशन कर सकते। इसके साथ साथ यहाँ पर और भी बोला गया कि 12 NDTV शैल बी रिलीज बिफोर फेवरी 2019। तो यहाँ पे 28 फरवरी के पहले यहाँ पे आपका जो रिजल्ट है वो आपको मिल जाएगा। रिक्रूटमेंट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रिक्रूटमेंट बाय द नेशनल कैरियर इन रिसेंट टाइम, विद मोर देन 1.4 अप्लाई फॉर द अवेलेबल वैकेंसी एंड अबव 1.17 crore अपियरिंग फॉर द एग्जाम। The official has to maintain that RRB would release real notification maintaining date and time RRB group digital declaration। तो दोस्तों, यहाँ पे क्लियरली बोल दिया गया कि 28 के पहले आपका फरवरी के पहले यहाँ पे आपका जो रिजल्ट है आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में यही डिटेल जो मैं आप लोगों को देना चाहता था। अगर आप लोगों को पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए।